अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है गूगल एडसेंस पर उजरत लेना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि गूगल एक कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस, क्या इस पर उजरत ली जा सकती है या नहीं, इसका मुफस्सल जवाब इनायत कीजिए। तो देखिए भाइयों और बहनों, ये एक सवाल है जिसकी हमने जब पूरी डिटेल हासिल की तो कुछ ऐसे है, हमने मुख्तलिफ लोगों से जब राबता किया और गूगल एडसेंस वगैरह के हवाले से जब हमने मालूमात ली तो इसमें ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले मेंबर को एड्स देखने पर मुनाफा मिलता है और हर मेंबर का मुआहिदा इसमें एडसेंस और ये परपाल वगैरह या मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके हवाले से ये बातें हैं कि इसमें मेंबर्स को मुखलिफ वक्त के लिए पेमेंट करना पड़ती है, जिसमें रोजाना 20 मिनट के इश्तेहारात होते हैं या किसी के लिए डिफरेंट किस्म के इश्तेहारात होते हैं, उनको देखना मकसूद होता है। तो क्या इस कमाई के लिए ये काम करना जायज है या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, जिस तरीके से ये सवाल किया गया है, अगर हम इस कारोबार की तफसील में जाएं तो जो सवाल है उसकी डिटेल का हम जायजा लेते हैं। कंपनी का असल काम कारोबार नहीं होता जिसके लिए लोगों को मेंबर बनने की दावत दी जाती है, बल्कि एड्स देखकर कमाई करना होता है, चाहे मेंबरशिप इन्वेस्टमेंट में हो या नेटवर्क मार्केटिंग में हो, जिसमें शरई एतबार से कई खराबियां पाई जाती हैं। नंबर 1, एड्स देखना कोई ऐसा अमल नहीं जिसे अजारा का माकूद अलैह करार दिया जा सके और एड्स देखने वाले मेंबर को इस पर उजरत का मुस्तहिक ठहराया जाए। दूसरे नंबर पर बहुत से इश्तेहारात गैर शरई उमूर पर भी मुश्तमिल होते हैं। तीसरे नंबर पर मस्नूई तरीके से व्यूज की तादाद को बढ़ाकर दिखाया जाता है जो कि धोखाधही के जुमरे में आता है। नंबर 4, कंपनीज के साथ कारोबार की खराबी तब और भी बढ़ जाती है जब इसमें नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह भी पाई जाती हो। इसके अलावा जो बात लिखी गई है कि इसमें एक मुखलिफ माह के दौरान रकम मिलना होती है जिसमें मुनाफे के साथ असल रकम भी शामिल होती है, ये दुरुस्त मालूम नहीं होती, बल्कि मिलने वाली रकम दर हकीकत इश्तेहारात देखने की उजरत होती है, जिसकी वाजे दलील ये है कि इश्तेहारात ना देखने की सूरत में मुनाफे में कमी हो जाती है। लिहाजा खुद इस कंपनी का मेंबर बनना, किसी दूसरे को इसका मेंबर बनने की दावत देना जायज नहीं है। इसलिए जिन चीजों में अभाम पाया जाता हो या जिन चीजों का सही तरीके से आइडिया ना हो रहा हो, जैसे परपाल और ये इस सवाल के अंदर जो भाई ने पूछा है उसमें उन्होंने दो चीजें इकट्ठी कर दी हैं, जिसमें परपाल और गूगल एडसेंस दोनों को इकट्ठा कर दिया है। हमने जहां तक देखा है कुछ हुदूद में रहते हुए गूगल एडसेंस वगैरह के एड्स जायज हैं, लेकिन अगर उनमें ये मौसीकी, गैर महरम की तस्वीर, मस्नूई तरीके से व्यूज बढ़ाकर दिखाना वगैरह शामिल ना हो तो ये जायज हैं, लेकिन अगर ये चीजें पाई जाती हैं तो ये जायज नहीं है। अलबत्ता परपाल और दूसरी ऐसी कंपनियां जिसमें मेंबरशिप बनाई जाती हो, जिसमें दीगर आगे मार्केटिंग की जाती हो, मार्केटिंग के अंदर चैन सिस्टम हो, तो इनके एड्स वगैरह देखना जायज नहीं है, या रेफरल लिंक्स वगैरह जिनके भेजे जाते हों और उन पर आपको फिर दोबारा से पेमेंट्स वगैरह होती हों, ये भी कुछ हुदूद और शरायत के साथ जायज और नाजायज भी होती हैं। इसलिए इन अभाम वाली चीजों में पड़ने की बजाय आप कोई अच्छा फिजिकल बिजनेस कीजिए। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।